मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? सुबह सुबह का टाइम है 7:30 बजे का, अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। प्रथम काव्य जाने वाले, लंच उनका रेडी कर दिया, टिफिन तैयार कर चुकी हूँ मैं, बॉटल लेने आई हूँ, फ्रिज के आगे इसलिए खड़ी हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है अभी बाकी, तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। चलिए, सुबह कितनी भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। 5 बजे उठी थी, लंच वंच सब तैयार था, मेरी तरफ से कोई लेट नहीं था, लेकिन बच्चे लेट कर ही देते हैं। अब काव्या ने करवाई थी 2 बार छोटी, बाल बिगाड़ लिए थे, डांट पड़ गई थी, इस चक्कर में गुस्सा भी हो गई थी। वैन वाले भैया आ गए थे तो काव्या गुस्सा हो ही पड़ी है, क्योंकि डांटा था मैंने उसे। आ गई हूँ, प्रथम और काव्या दोनों को छोड़ करके वैन में बैठा दिया है उनको। गर्मी लग रही है, सांस फूल रही है, चश्मा उतारती थोड़ी देर, बहुत पसीने आ रहे हैं। और मशीन लगाई है मैंने, क्योंकि कल के कपड़े हैं मेरे वॉश करने थे। कल पानी की प्रॉब्लम हो गई थी हमारे यहाँ, पानी नहीं आया था, थोड़े थोड़े पानी से हम लोगों ने काम किया था। कपड़े थे मैंने रख दिए थे, मैंने कहा चलो बाद में कल वॉश हो जाएंगे जब पानी आएगा, तो आज सुबह पानी आया फिर दिया पौधों में पानी, मैंने कहा ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है चलो दे देते हैं। और आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, कभी बारिश का मौसम हो जा रहा है। तो अभी तो इस टाइम इतनी तेज़ धूप हो रही थी, खड़ा ही नहीं हो जा रहा था बालकनी में। ये वाली बेडशीट। अभी जिया जी आए थे मेरे, तो वो देखे गए, क्योंकि उनके यहाँ रखी हुई थी, मैंने डी मार्ट से ली थी और मैं वहीं भूल गई थी, तो अभी यूज़ नहीं हुई है ये, तो वो अभी आए थे तो वो देखे गए हैं। देखूंगी इसका कलर कैसा, मतलब ये प्रिंट का कलर ना जाए, कॉटन है वैसे तो, प्योर कॉटन है, ये दीवान के लिए ली थी मैंने। अगर नहीं जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी थी। और इसके साथ ये मैंने दीवान के लिए, इसके लिए कुशन के लिए ले लिए थे, 2 कवर, 2 ही लिए थे, तो ये बेड में रख रही हूँ, बेड के सिरहाने में सब सामान, और ये कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ चादर भी पड़ी हुई है, सब फोल्ड करना है, काम पड़ा हुआ है। छत पे से आई थी मैं, थोड़ी सी छत साफ करी आज, क्योंकि बारिश आ जाती ना फिर वो नाली में जो गंदगी चली जाती है फिर सीलन आती है मेरे यहाँ पे, इसीलिए छत साफ करी है मैंने, थोड़ी थोड़ी कर दी है। अब बारिश आएगी ना तब मैं उसको, छत को धोऊंगी, पानी बचाऊंगी, पानी आजकल पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, गर्मियों के चक्कर में होता ही है, वैसे ऐसे पानी की कोई परेशानी रहती नहीं, लेकिन गर्मियों में ना थोड़ा पानी की परेशानी हो ही जाती है। तो मैंने मोटा मोटा जितना भी कूड़ा था वो सब तो छत पे से समेट दिया है, अब मैंने सोचा कि चलो बारिश अगर आ गई तब मैं धो भी दूंगी छत, तो पानी की बचत भी हो जाएगी और छत भी धुल जाएगी। पंखा बंद कर रखा है आप लोग से बात करने के लिए, पंखा अगर चलाते हैं ना तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती, इसीलिए 10 बज चुके हैं, मोबाइल अगर छत पे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो उसको ना छत को साफ कर देते हैं, गीला हो रहा है यार, गीला हो रहा है, दूध बैलेंस में चलता है मेरे यहाँ, बीबी दूध रखा हुआ है। पूजा उजा करके काफ़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया, रेस्ट करने के बाद में मैं रेस्ट करने के साथ साथ सुन रही थी पुराने गाने, सुन भी रही थी, देख भी रही थी, बड़े अच्छे लगते हैं। और अब जा रही हूँ मैं मैंगो शेक बनाने, क्योंकि काव्या को मैंगो शेक पसंद है, काव्या और प्रथम दोनों को ही पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो आम रखे हुए काफ़ी सारे, आजकल सब्जियों से सस्ते आम हैं, तो मैंने सोचा चलो आम बहुत सारे रखे हुए, मैंगो शेक बना देती हूँ बच्चों के लिए, अच्छे से खा लेंगे। सुबह बनाई थी कटहल की सब्ज़ी, तो नाटक कर ही रहे थे, कुछ खास पसंद है नहीं बच्चों को कटहल वटहल, काव्या नहीं खाती है, प्रथम खा लेता है कटहल की सब्ज़ी, तो चलो अब उसके साथ, तो निकल रहा है बार बार, तो उसके साथ बना लेती हूँ मैं अब मैंगो शेक, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, ये टाइम हो गया, मेरी इच्छा से नहीं कर रही थी, लेटी हुई थी, थक गई थी, बहुत सारा काम कर लिया आज मैंने, डस्टिंग वस्टिंग सब कर ली, कपड़े भी वॉश कर लिए, फिर वॉशरूम भी थोड़ा साफ़ किया, इसलिए मैं थोड़ा सा पूजा वूजा करने के बाद रेस्ट करने लगी थी। पीछे वो मेरा सूट रखा हुआ है, वो सूट रखा हुआ है, प्रेस करना है मुझे सूट। मैंगो शेक बना लेती हूँ बच्चों के लिए, 4 आम लाई हूँ, कब से रखे हुए हैं आम, फिर मम्मी भी आई थी मेरे यहाँ, मम्मी भी ले आई थी आम, तो उनके लिए बनाती हूँ मैंगो शेक।
ठंडा ठंडा मीठा मीठा। दूध भी बहुत सारा रखा हुआ है मेरे यहाँ, मैंने आपको दिखाया था बहुत सारा दूध रखा हुआ है, एक्स्ट्रा में चल रहा है क्योंकि प्रथम आजकल दूध पी नहीं रहा है तो दूध बच रहा है। कभी मैं दूध की खीर बना, कभी खीर बना देती हूँ मैं उनके लिए, कभी मैंगो शेक वगैरह बना देती हूँ ताकि इस तरह से वो होता रहे। और दूध वाले को बोलना मुझे हमेशा भूल जाती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता कि आज मैं मना कर दूँ आज दूध मत देना, और फिर जब आ जाता है तो फिर मना करा नहीं जाता, फिर तो लगता है कि चलो ले ही लेते हैं छोड़ो। इसीलिए बीच में फोन आ गया था इसलिए लेट हो गई थी। गृह प्रवेश की पूजा में बुलाया है फ्राइडे को, देखते हैं जा पाते नहीं जा पाते क्योंकि बच्चों के यूटी स्टार्ट हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 2:15, बच्चे आते ही होंगे। अब मेरा प्रेस भी नहीं करे मैंने कपड़े और जाने की हिम्मत सी भी नहीं हो रही है। आ जाएंगे, मैं बालकनी से देख लूँगी तो दोनों आ जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मस्त मौसम हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, मौसम बहुत मस्त हो रहा है, सुहाना मौसम हो चुका है। कह रही मौसम ऐसे ही रहे, बारिश हो जाए, बहुत उमस गर्मी हो रही है, हो भी चुकी है थोड़ी सी बारिश, लेकिन थोड़ी सी हो करके बालकनी का गेट बंद कर दूँ। सुबह बंदर आ गया था तो अच्छा हुआ, बंदर नहीं आया, गेट खुला हुआ था, मैं एकदम से भागी तो बंदर भाग गया। बालकनी का गेट बंद कर दिया, पीछे से रोशनी आ रही है, अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। गाने चल रहे हैं, बच्चों का इंतज़ार करती हूँ, अब बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगी, दोनों आ जाएंगे उसके बाद तभी खाना वाना खाऊंगी। उनको बालकनी से देखती हूँ, मिलती हूँ अब थोड़ी देर में बच्चों के आने के बाद। तो प्रथम और काव्या के आने का हो गया था टाइम, तो मैं खड़ी हो गई थी बालकनी में, जिस दिन मैं लेने नहीं जा पाती उस दिन मैं बालकनी से ही देख लेती हूँ, उनके आने का टाइम हो चुका था तो मैं खड़ी हो गई थी, और दोनों ने देख लिया ना मुझे तो नीचे से हल्ला मचाने लगे। तो शाम हो चुकी है और टाइम कितना हो गया पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी, 7:45 हो रहे हैं घड़ी में टाइम, और मैं कड़ी छोंक चुकी हूँ, यहाँ कड़ी छोंक दी है और ये बूंदी वाली कड़ी बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए चावल नहीं खाए तो कड़ी और चावल बनाएंगे, इसलिए मैंने सोचा दही रखा था, खट्टा था दही, वैसे खाने के यूज़ आता नहीं, मैंने कहा चलो कड़ी बना लेते हैं, और वैसे भी सावन स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग कड़ी यूज़ ही नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं मतलब कड़ी, तो इसीलिए मैंने आज कड़ी छोंक ली है, खड़ी कह रही हूँ कड़ी छोंक ली है, तो आज कड़ी चावल हम खाएंगे। और ये लोग ट्यूशन से भी आ चुके हैं, इसको लग रही है भूख काव्या को, इसको कुछ देती हूँ खाने को, अभी भूख लग रही थी ना थोड़ी देर बाद, ठीक है आधे घंटे में आ जाना, तो खेलने जा रही है, इसे भूख लग रही थी अभी, अब खेलने जाना है, भूख ख़त्म हो गई खेलने के नाम पे। कड़ी छोंक चुकी हूँ, अब जा रही हूँ शाम की जो है जोत बत्ती करने के लिए, दिया बाती करने के लिए, और बच्चों की ड्रेस भी धोई थी मैंने आने के बाद, रेस्ट नहीं करा है, मैं सोई नहीं हूँ, सोचा था मैं सो जाऊँगी लेकिन मैं नहीं सोई। बिग बॉस आजकल मैं यही देखती हूँ इसलिए मुझे दोपहर में नींद भी नहीं आती, घर पे रहती हूँ तो मैं बिग बॉस ही देखती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो यही देख रही थी मैं, टाइम पास कर रही थी, मेरा बच्चे ट्यूशन चले गए थे, फिर फटाफट से उठी मैंने, सबसे पहले कड़ी छौंकी और बच्चों की ड्रेस धो दी, ड्रेस धो के सुखा दी है, ड्रेस में सिर्फ शर्टें धोई हैं, वाइट शर्टें पसीने से गंदी हो जाती हैं तो वो धो दी हैं। मैं थोड़ी देर और बिग बॉस देखूँगी, इसके बाद मैं करूँगी दिया बाती। प्रथम को गई थी मैं अकेडमी के लिए ये जर्सी दिलवाने के लिए, मैं ले आई हूँ उसे दिला करके जर्सी, और मुझे ऐसा कोई काम था नहीं मार्केट में, इसलिए जल्दी से आकर के मैंने बनाए चावल कड़ी के साथ, चावल ही अच्छे लगते हैं, चावल बनाए हैं। प्रथम चावल कम खाता है, प्रथम काव्या, तो काव्या ने तो खाना खा लिया, उसने कड़ी के साथ रोटी खाई है, प्रथम अभी पढ़ाई कर रहा है। इधर प्रथम को बिठाया है, इधर बिठाया काव्या को, मैंने ना काव्या को खाना दिया था, फर्श पे बैठा के ही बोलती हूँ डिशे बैठ के खाओ, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो टीवी के चक्कर में ना बेड पे बैठ के खाने लगी और बेड पे कड़ी गिरा दी थी, उसने साफ़ करी है अभी मैंने, अब कल देखूँगी अगर वॉश करनी होगी, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, और ये बोतलें इकट्ठी कर रखी है बेड के सिराने, इनको भरती हूँ मैं,
और सुबह के लिए भिंडी धोई है मैंने, सूख जाएगी तो भिंडी को काटूंगी, रात में काट के रख दूंगी, सुबह इजी हो जाएगा। बच्चों की ड्रेस धोई थी, शर्टें, वो भी अभी मुझे प्रेस करनी है तो वो प्रेस करूंगी। और अभी खाना नहीं खाया प्रथम ने, और मैंने, खाना वाना खाएंगे हम। कपड़े प्रेस करने के बाद भिंडी ले लिया है, मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। भिंडी काटने के बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद ही काम ख़त्म होगा, पहले भिंडी काटती हूँ कल के लिए। तो भिंडी कट चुकी है, तो टाइम हो चुका है, घड़ी में रात के 10:30 बज चुके हैं। मैंने 10 बजे खाना खा लिया था, प्रथम ने उस टाइम मना कर दिया था, फिर उसको मैंने बहुत फोर्स किया, मैंने कहा आप खाना खा लो, बहुत लेट हो गया, 10:30 बज रहे हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है खाना दे दो आप, साथ के साथ मैं लर्न भी करता रहूँगा, खाना भी खाता रहूँगा। मैं बहुत मना किया लेकिन बोला नहीं मम्मा मुझे लर्न करना है। चुकी है प्रथम, नहा के आया है, इसे नहाए मेरा नींद नहीं आती गर्मी में, तो ये नहा के आ चुका है और मैं भी अब सोती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज सुबह 7:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया था और 11 बजे ख़त्म कर रही हूँ। आज का मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।